सामने वाली पहाड़ी पे जाएंगे हम लोग। ये है चलातार, जोड़े वाली माता को रास्ता जाता है वहाँ से। यहाँ पे भर रहे हैं हम अपना वाटर कूलर ताकि पानी की कमी ना आए। यहाँ पे ब्लॉगिंग हो रही है। चैनल लाइक सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब यो यो कमेंट लाइक शेयर भी करना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 9 और मैं उठ चुका हूँ। आज हम निकल रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे वापस से, और अभी मुझे करनी जल्दी से पैकिंग। देवल से अपने भाई लोग जा रहे हैं, और जो वो लोकेशन है वहाँ पे मैं एक बार ऑलरेडी गया हूँ पहले, मतलब उस टाइम था गर्मियों का मौसम और हम जा रहे हैं सर्दियों के मौसम में, तो वहाँ पर पड़ी होगी बर्फ़। और हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग वहाँ पर करने वाले हैं कैंपिंग, कुकिंग खुद। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस ट्रिप की हमारी वो है लोकेशन, बहुत प्यारी है। गर्मियों में इतना अच्छी चीज़ थी वो, बहुत हाइट पर है इस टाइम, तो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी होगी यार, बहुत मज़े आने वाले हैं। तो बने रहो हमारे साथ, देखो आपको मज़ा करवाएंगे साथ में। इसे अपना सपोर्ट बनाए रखें बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। तो जल्दी अभी पैकिंग वगैरह करते हैं, रेडी वगैरह होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मैं रेडी हो चुका हूँ, सामान मैंने ऑलरेडी पैक कर दिया पहले का। अभी जल्दी से सामान रखते हैं गाड़ी में पहले, फिर जाएंगे देवर यहाँ से, वहाँ से भाइयों को लेंगे साथ में, और जो सामान टेंट वगैरह का सामान है वो भी वहाँ से लेंगे। तो मैं सामान पहले पैक कर लिया था, ये स्लीपिंग बैग काफ़ी भारी है, पापा का था ये। ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा जिसमें हम खाना बनाएंगे पतीला वगैरह। वैसे तो हमने वहाँ पे चूल्हा जलाना है अपना, बट अगर इन केस वहाँ पे लकड़ी वगैरह में नहीं मिली तो हमने ये रिजर्व के लिए लिया हुआ है। तो गाइस हमने सामान वगैरह डाल लिया होगा, अभी जल्दी चलते हैं। देख इन खूबसूरत पहाड़ों को, बर्फ से भरे हुए पूरे। पहुंच चुका हूं अभी देवल, अभी मिलाते हैं आपको भाइयों से जो जा रहे हैं साथ हमारे। ये है हमारे डीसी भैया, ये है हमारे डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो, चलो वंदना ठीक है। उधर जाएंगे हम, कहां पे? वो सामने वो पहाड़ी है, देखो पीछे बर्फ से भरी हुई पूरी। ये हंसी वादियां, इधर जाएंगे हम, तो आपको बताएंगे थोड़ी देर में कौन कौन जा रहा है हमारे साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। हो गए हमारे हिंदू भैया, वो देखिए बाइक पे आ जाओ, सामान इकट्ठा करते हैं। तो गाइस अभी सामान लेते हैं पूरा, जो जो हमें लेना है साथ में। दो ब्रेड ले लियो, बहु ला ले आप जगड़ बच्चे। ये देखिए चार साल का मुंह है भाई, चिल्ला लिए मुंह में। गाल सुनो, मसाला दियो है, मीट मसाला, मीट मसाला लिखना। लिखना? मैं आपको ले लेना। एक बिट्टू मीट मसाला आया। मीट मसाला और बोलो। हल्दी? हल्दी तो मैं घर से ले लूंगा, नमक घर से ले लूंगा, बाल गिरा मैं बोलना है। ओ मिर्ची ले लूंगा, तो क्या करना है ना, जीरा ले लेते हैं यहाँ से, जीरा जीरा 10 साल जीरा ये है, दस साल जीरा। सामान ले लिया, अभी हम जा रहे हैं डीसी लेके घर, 5 किलो सामान उठाएंगे। पानी को भी जाना घर लंच करने, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। डीसी पे जा रहे हैं अभी बिलावर, टेंट वगैरह लेंगे वहाँ से, और साथ में कपिल को भी लेना वहाँ से, और भी एक भैया हैं, तो मिलाते हैं आपको उनसे। पहुँच चुके हैं अभी बिलावर अड्डे पे, हालत इसकी काफ़ी खस्ता है पहले से भी। हम गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, देखते हैं कोई साइड पे जगह इधर ही कर लेते हैं। ये वो गाड़ी, तो मैं गाड़ी यहीं पे पार्क करूँगा, डीसी पे जाएंगे, लाएंगे टेंट वहाँ से। चलो ठीक है, आप लोग टेंट ठीक है, मैं बैठता हूँ गाड़ी में। सो गाइस डीसी भाई को भेज दिया टेंट लाने मैंने, बट यहाँ पे देखो जगह ही नहीं है यार कहीं पे भी पार्क करने, तो मैं यहीं पे बैठा हूँ ताकि किसी ने गाड़ी निकालनी हो तो मैं भी पीछे कर सकूँ अपनी गाड़ी। देखिए हमारे बिलावर अड्डे की हालत है, कीचड़ ही कीचड़ है सिर्फ, यहाँ पे चलती हैं गाड़ियाँ, इंसान यहाँ पे चल नहीं पा रहे, कितनी बुरी हालत है यार इसकी। मैंने तो ऐसा ही देखा है इसको, यहाँ पे कभी भी मैंने पक्का हुआ नहीं देखा इसको, सिर्फ कीचड़ कीचड़ देखा बारिश में और ऐसे टूटा हुआ। अब टाइम हो रहा है 2:15, हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहे हैं, 3 या 4 घंटे लगेंगे यहाँ से हमें पहुँचने में वहाँ पे, और रास्ते में से कुछ सामान भी उठाना है हमें। बट डीसी पे गए थे लेने अभी टेंट का सामान, वो भी आए नहीं है, काफ़ी लेट हो रहे हैं यार। फाइनली कपिल डीसी पे आ चुके हैं अभी टेंट लेके, अभी सामान रखते हैं फिर मिलते हैं आपसे। डाल दिया सामान अपना यहाँ पे सारा, अभी यहाँ से निकलेंगे। मेरे डीसी पे के साथ है अभी कपिल, अभी 2 बंदे और भी हमारे साथ,
एक को रास्ते से लेंगे, दूसरा एक दूसरा आ रहा है, एक स्लीपिंग बैग लेके। चलो ठीक है फिर चलते हैं जल्दी से, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। ओके बाय। ये आ गए हमारे मिठू जी, ये हमारे साथ चौथा बंदा, और जो पांच में वो चलेगा बसोली के पास से। गाइस देखिए हमारी डिक्की पूरी फुल हो चुकी है, इतनी बड़ी डिक्की है इसकी, बट फिर भी फुल ऑन पैक है। ट्रिप हमारी शायद एक या दो दिन की है, बट देखो डिक्की की हालत। ओके तो लेट्स गो, फुल ग्रेड हो। तुम रुके यहाँ पे पेट्रोल डलवाने। यहाँ पे हमने करवा लिया अपना टैंक फुल, अभी चलते हैं, अभी बस चिकन वगैरह लेने के लिए रुकेंगे, और नहीं रुकना अभी। चलो जी जी, है रियालता मोड़, ये रास्ता जाता है बसोली को, नीचे वाला वो धार रोड कठुआ को, हम जाएंगे बसोली वाले रोड पे, क्योंकि हमें जाना है बनी वाली साइड। तो गाइस यहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी चिकन लेने, कट रहा अंदर, लॉकडाउन लग गया है, दुकानें बंद है, लेकिन हमें मिल रहा है सारा कुछ, अंदर काम हो रहा है सारा चुपके चुपके से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी नगरोटा, हम लोग तेल लेना भूल गए थे, थोड़े स्नैक्स लेंगे साथ में, फिर निकलते हैं। अभी टाइम 4:45 हो चुके हैं, काफ़ी लेट है, हम लोग पहुँचते पहुँचते शायद 7-8 तो बज ही जाएंगे आराम से। अभी गाड़ी चलाएगा यहाँ से बसोली तक कपिल, और डीसी वाला है, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक, फुल मस्ती चल रही है यहाँ पे, दिखाएंगे आपको सब कुछ जो हम लोग करेंगे एक्टिविटीज। कपिल दा हैवी ड्राइवर, डीसी का क्या कहना है इसकी ड्राइविंग के बारे में? बहुत बढ़िया ड्राइवर है ये, मेरी अभी वहां इंश्योरेंस भी है। कोई चक्कर नहीं, गड्डी दा थोया ना, बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाता है ये, मैं कल भी आना। सो गाइस हम लोग यहाँ पे फिर से रुके हैं, एक चीज़ फिर से भूल गए थे हम लोग, अंडे और मैगी, क्योंकि सुबह भी कुछ खाना है यार। कपिल तो वेजिटेरियन है, उसके लिए मैगी ले लेंगे, अंडे किन लेने पैक लेना है इसे। ये रास्ता जहाँ से हम लोग आए हैं, और हम लोग जाएंगे यहाँ से शॉर्टकट जो लेफ्ट जाता है, और ये रास्ता जाता है सीधा बसोली को। बसोली से रास्ता है ये सही, लेकिन ये लिंक रोड है, 10-11 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, तो हम लोग इस रास्ते से जाएंगे। अभी ये रास्ता था बसोली से, और ये जाएगा बनी, तो हम लोग जाएंगे बनी वाले रास्ते पे। बनी से पीछे है चला तार, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और वहीं से रास्ता जाता है जोड़े वाली माता। हाँ वहीं से रास्ता जाता जोड़े वाली माता को। बनी का रोड अभी काफी बढ़िया हो गया है, खुला खुला रोड है, और साफ भी काफी है, और व्यू तो देखो एक नंबर व्यू है सारे। गाइस यहाँ पे हमने लिया है छोटा सा ब्रेक, देखिए पीछे का व्यू, पहाड़ पीछे देखो पूरे, देखो बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको मैं, वाओ। उस सामने वाली पहाड़ी पे जाएंगे हम लोग, ये है चलातार, जोड़े वाली माता को रास्ता जाता है वहाँ से। लेकिन इस व्यू को देखो, रोड्स कैसे निकाले हुए हैं, हैट्स ऑफ टू BRO, हमारे हैवी ड्राइवर को हो रही है वोमिटिंग। हैवी ड्राइवर ठीक हो? अब ठीक हो, मारे उल्टी सुल्टी मारी के ठीक हो उल्टी सी। इस बार उधर उल्टी चल रही है। सीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमारे हैवी ड्राइवर का थोड़ा मन खराब हो रहा है। हल्का कर लिया वैसे तो थोड़ा। फिर से हैवी ड्राइवर का मन खराब। भैया 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 टपल टपल लुंडिया मारा था। डॉग का था बड़ा खराब था। भूख लगी। गाइस हमारे पास पानी नहीं है, पानी की किल्लत है, और देखिए ये पानी साफ है कि गंदा है, कमेंट करके बताना। कोई जाना होना डीसी वर्सेस वाइल्ड। पानी का स्रोत मिल चुका है हमें, दिखाते हैं आपको भी। देखिए हमारे पहाड़ों में कैसे पानी आता है, जहां मर्जी चले जाओ वहां पानी मिल जाएगा आपको। अभी थोड़ी मुश्किल हुई,
बट इतनी भी नहीं, पानी था लेकिन थोड़ा गंदा था वहाँ पे। देखिए कितना सारा पानी है, देखिए ये तो अच्छा पानी पीते है। इस पानी को फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, ये पहाड़ों से पहले फिल्टर हो गया है। यहाँ से मैं निकालना था वाटर कूलर, बट यहाँ पे डिक्की में ऐसे सामान लदा हुआ है, कोई इसको खाली करते हैं। ये है वाटर कूलर, कितना सामान निकालूं, बट सामान देखो यार, लकड़ियां भी हमने साथ ली हुई है। देखो यहाँ पे भर रहे हैं हम अपना वाटर कूलर ताकि पानी की कमी ना आए। देखिए साफ पानी, ऐसा पानी कहाँ मिलता है यार शहरों में, मजे तो यहीं पे हमारे पहाड़ों में। देखिए बच्चा कैसे बांधा हुआ इन्होंने, तुसी पानी थोड़ा भरने रोज और नलका आता कर नलका नुलका इतना भरने होने 12 मिनट देर इंदा अपने पानी कैसे निकलते हैं पहाड़ों में। हम लोग यहाँ पे यहाँ से अपने वाटर कूलर वगैरह हम लोगों ने भर लिए हुए हैं और बॉटल्स भी भर ली हैं। अभी शाम रात को तो पानी की कोई कमी नहीं होगी। अभी हम लोग सीधा जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने टेंट लगाना है अपना, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जाके सीधा अपनी कुकिंग वगैरह करेंगे, टेंट वगैरह लगाएंगे। देखिए रोड कितना बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कहीं फॉरेन में पहुँच चुके हैं। और देखिए यहाँ पे सनसेट हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और वो है वो जगह जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, तो बने रहो हमारे साथ। इस पार्ट में तो नहीं लेकिन शायद नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगी बर्फ ठंडी ठंडी। देखो लेकिन इस व्यू को देखो, कैसे बच्चे छोटे छोटे पानी लेके जा रहे हैं घर पे। गाइस ये है हमारा पांचवा बंदा, हमारे कालू पहलवान बिशप पाठक जी। इतनी देर से इंतजार कर रहा था आपका, अब आए। हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे, देखो व्यू ये ऊपर माता का मंदिर, पहाड़ी उस तरफ सनसेट हो रहा है। ठीक हो जी जीजा जी, ठीक है ना। और अभी हम लोग हो गए पांच, सामने बर्फ दिख रही है और वो बर्फ है चला तार जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी। पूरी की गए, अच्छा अच्छा सॉरी गलती होगी मेरे से। वो है चलातार जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। है साक्षी शर्मा पाठक जी, ये हैं अर्जु जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। इधर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, देखिए जहाँ जाते हैं वहाँ पे सब्सक्राइबर बन जाते हैं हमारे। फ्री फायर खेल गया, दस दस बड़ी इंदे, बारह बारह बड़ी इंदे बिच फ्री फायर खेल रहे देखो यार यहाँ पे गाड़ियों की हालत देखो, हम लोग पहुंच चुके हैं पूंड, पूंडा नहीं पूंड है, पूंडा पीछे है। ओके तो ओके थैंक यू, काफी बड़ा बाजार है यहाँ पे। देखिए सनसेट होता हुआ कितना प्यारा लग रहा है यार, और ये व्यू नीचे देखो कितना खूबसूरत है। और वहाँ जा रहे हैं हम लोग, वो सामने पहाड़ है हिमाचल वाले, कितने प्यारे लग रहे हैं, ग्लेशियर वगैरह सारा है। यहाँ पे हमने लिए टी ब्रेक, ये है जय माँ काली टी स्टॉल, काफी फेमस चाय है यहाँ की, डीसी बता रहे थे हमारे। ऑमलेट बनाते हैं, पिछली बार यहीं पे रुके थे, और पीछे व्यू इतना अल्टीमेट है ये भी देख लो। और हम लोग पहुँचने वाले हैं जस्ट अभी, बनाते हुए हमारी चाय अदरक वाली बड़ी फेमस, जय माँ काली टी स्टॉल है यहाँ पे। मैं अभी दुकान से थोड़ा दूर आया हूँ बिकॉज वहाँ पे जेसीबी लगी है, काफ़ी शोर हो रहा था, तो शायद ये व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो रहा होगा। और लंबे व्लॉग का क्या होता है कि हम लोग स्किप करते जाते हैं आगे, और उसमें से कुछ जो अच्छे पार्ट होते हैं उसको मिस कर देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इतने ब्यूटीफुल व्यू जो मेरे पीछे यहाँ भी देख सकते हो ये मिस हो। और कल तो इससे भी बढ़िया अल्टीमेट व्यू आपको दिखाने वाला हूँ मैं, पीछे सनसेट दिख रहा होगा आपको, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यहीं से स्टार्ट होगा, तब तक के लिए बाय।